Assalamualaikum everyone, this is Ehsan Yusuf and I welcome you all once again to my channel jiska naam hai SANchat. Yaar, is corona virus ne to kind of zindagi ya change se kar di hai. I mean to say a kind of refresh button. Bahut se rules and regulation aise follow up hue hain jo ki hum imagine bhi nahi kar rahe the. और उनमें से एक ये पास ऑन हुआ है कि वो लोग जो कि ऑफिस वर्कर हैं काइंड ऑफ सो वो होम ऑफिस स्टार्ट करेंगे. सो आई एम डूइंग होम ऑफिस फॉर लास्ट 2 वीक, जिसमें से पहला वीक वॉज नॉट दैट मच प्रोडक्टिव और सेकेंड वीक वॉज प्रोडक्टिव, और उसमें क्या चेंज था वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ. सो बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सो उस पर क्लिक करें. उससे क्या होगा कि मेरी फर्दर जो वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी. सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. इफ यू आर डूइंग होम ऑफिस नॉट बाय चॉइस बट बिकॉज इट वॉज आस्क्ड यू टू डू सो, सो इसको सही तरीके से करें. फर्स्ट कम फर्स्ट, अपना जो के एक टेबल है, मेरा ये कॉफी टेबल था, बैल्कनी से उठा के मैंने यहां पर रखा है जस्ट फॉर होम ऑफिस, उसको प्रॉपर सेट कर लें. योर लैपटॉप, योर सेकंड स्क्रीन, योर कीबोर्ड, योर माउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि आप एक वर्किंग मोड में ऑलरेडी आ जाएं. वर्किंग फ्रॉम बेड और काउच और सोफा वो फीलिंग नहीं देता. जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे आप काम सही तरीके से शायद नहीं कर सकेंगे उस तरीके से जो आप ऑफिस में करते थे. सो मेरे कहने का मतलब कि नॉर्मल रूटीन रखें, वही रूटीन जो कि आपकी ऑफिस में होती थी. आई मीन टू से गेट अप एंड गेट ड्रेस, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. गेट रिड ऑफ दोज पजामाज एंड टी शर्ट. वेल ड्रेस्ड हो, नॉर्मल रूटीन रखें, हैव कप ऑफ कॉफी अगर तो आप ऑफिस में पीते थे, वाटर बॉटल अगर तो ऑफिस में आप टेबल पर रखते थे, एग्जैक्टली सेम एज आप फॉलो करते थे, ताकि आपको दैट मच डिफरेंस ना लगे घर पे काम करते हुए और ऑफिस एनवायरमेंट में. नंबर सेकंड, सेट योर टास्क गोल एंड स्केड्यूल इट प्रॉपरली. जैसे कि मैंने अगर तो आज होम ऑफिस किया है तो मैंने लिख दिया था कि मेरे आज के दिन के ये टास्क हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं. सो डेली बेसिस पे आपको हर रोज जो करना है ब्लाइंडली स्टार्ट ना हो जाए, अपना जो कि अपने गोल्स हैं उनको लाइन अप कर लें कि मुझे ये काम करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टर्न ऑफ ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन इस वक्त सबसे बड़ी है मोबाइल फोन, फिलहाल तो मैंने उसको दूर फेंका हुआ है. रीजन ये है कि जब तो आप ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल या तो साइलेंट मोड पे होता है या तो ऑफ होता है. मेरा स्पेसिफिकली साइलेंट मोड पे होता है, लेकिन आप जब घर से काम कर रहे हैं आप ध्यान ही देते कौन साइलेंट मोड पे, क्योंकि घर पे है, ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं है. सो ट्राई टू मेक इट साइलेंट, या तो अपने सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन ऑफ कर दें ताकि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सकें. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन योर वर्क टाइम एंड रेस्ट टाइम. दोनों को मिक्स नहीं करना, वर्क टाइम पर रेस्ट नहीं करना, रेस्ट टाइम पर वर्क नहीं करना. परफेक्ट. नेक्स्ट, टेक ब्रेक. अरे भाई, अगर तुम घर से काम कर रहे हो इट्स सो नॉर्मल टू टेक अ ब्रेक. ज्यादा ओवर एफिशियंट नहीं होना, ब्रेक टाइम पे काम नहीं करना, वही मैं कह रहा था कि नॉर्मल रूटीन फॉलो करनी है. अगर तो अब 8 घंटे काम कर रहे हो इसमें आपका हाफ एन आवर का लंच ब्रेक है, सो सेम रूटीन फॉलो करो, हाफ एन आवर लंच ब्रेक लो, ठीक है. और बीच में स्मॉल स्मॉल ब्रेक लाइक 5 मिनट, क्योंकि जब ऑफिस एनवायरनमेंट में होते थे आप उठ के मे बी कुलीग के रूम में चले जाते थे टू हाय एंड हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीथिंग इज फाइन, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप पूछने चले जाते थे, तो एक तरीके से हलचल रहती थी. तो हर आवर्स में जो मैं स्पेसिफिकली करता हूँ, हर आवर 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ. गो आउट मे बी बैल्कनी इफ यू आर स्मोकिंग, और दूसरे रूम में चले जाओ, चिल पिल कर लो. इसका मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है. ऐसा नहीं है कि आपने हर घंटे में 5 मिनट के ब्रेक ली, आप गए और 15-20 मिनट लगा के आए, नहीं. सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ अबाउट ब्रेक्स एंड ऑल. एंड नेक्स्ट इज अवॉइड इंटरेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड पेट्स. लेकिन जो ब्रेक्स हैं लाइक फॉर हाफ एन आवर और 5 मिनट, बेशक आप जाएं उनसे डिस्कशन करें, एक्सचेंज करें आइडियाज, बैठ के बात कर लें, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल. लेकिन वंस अगेन, जो वर्किंग टाइम इज वर्किंग टाइम, योर रेस्ट टाइम इज रेस्ट टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कोलीग्स. क्योंकि आप जब होम ऑफिस कर रहे होते हो आप और आपका स्क्रीन, यू नो इट्स अ काइंड ऑफ होल डे, बट
आप मैसेजेस भी अपने कुलीग से कर रहे होगे अगर तो होम ऑफिस में आपको बैठ के कुछ ना कुछ ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन आई मस्ट से कि हर रोज मे बी फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और मे बी उससे भी कम बैठ के एटलीस्ट फेस टू फेस मीटिंग्स कर लें अपने कुलीग से. अगर तो कोई ट्रबल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मे बी डिस्कस कर लें कि ओके यू डिड लाइक दैट टूडे और उसने क्या किया and so on. Discussion face to face is necessary. वो kind of office feeling देगी कि आप सब लोग connected हो और एक ही environment में काम कर रहे हो. Then reward yourself. Home office में क्या होता है कि हम pressure बहुत ले लेते हैं, जो कि मैंने first week में लिया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार home office से शायद boss की expectation बढ़ गई है कि मैं घर पे बहुत relax और chill pill माहौल में बैठा हुआ हूँ तो मैं ज्यादा काम करूंगा and all that. ये गलत फहमियाँ अपने दिमाग से निकाल दो. अगर तो आप 8 घंटे काम कर रहे हो ऑफिस से और जो भी आपका लेवल है वहाँ पे घर पे भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए प्लस माइनस के साथ, ठीक है. डोंट फील दैट बॉस आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है. आपके जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वही वर्किंग आवर लें, जो आपके ब्रेक्स हैं वही आप ब्रेक्स लें और अपने आप को रिवॉर्ड करें. अगर आज तो टास्क आपने 5 लिखे हैं और उसमें से 3 आपने अकॉम्प्लिश किए हैं या 2 आपने किए हैं तो एटलीस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ. इससे क्या होगा, कल आप उससे अच्छा करेंगे, ठीक है. सो अगर तो आपके बॉस खुले के सराउंडिंग में कोई नहीं है आपको रिवॉर्ड करने के लिए, सो रिवॉर्ड योर सेल्फ. आपने जो कुछ भी किया है मे बी पॉसिबल, क्योंकि थ्रू आउट द वीक आप एग्जैक्टली सेम लेवल पे नहीं चल सकते. कहीं प्लस अप है तो कहीं माइनस है. किसी दिन आप शायद कुछ भी ना कर पाए, मे बी पॉसिबल. रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर मेकिंग अ गुड कॉफी, कुछ ना कुछ तो किया आपने. सो डोंट फॉरगेट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. इससे क्या होगा, कल का दिन और अच्छा होगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट फ्रेश एयर. शायद आप अपने रूम में बैठे हुए बहुत ही रिलैक्स एटमोसफियर में बैठे हुए, विंडोज बंद है ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ फ्रेश एयर. अपने अपने जो रूम की वेंटिलेशन है उस पर प्रॉपर फोकस करें और एटलीस्ट गेट अ फ्रेश एयर यू नो टाइम टू टाइम. तो उससे क्या होगा, काइंड ऑफ माइंड भी फ्रेश होगा. सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि मैंने एटलीस्ट चेंज किया था फ्रॉम फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक और मुझे ये पॉइंट्स एग्जैक्टली बहुत ही काम है. सो अगर तो आप लोग होम ऑफिस कर रहे हैं और आप लोगों के पास ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो कि आप पर्सनली फॉलो कर रहे हैं और वो आपकी एफिशिएंसी काइंड ऑफ बढ़ा रहे हैं तो लेट मी नो. और अगर तो इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट्स आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर डैम श्योर दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम माई सेल्फ. बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. सो गुड लक एवरीवन फॉर योर होम ऑफिस. Stay fit, stay healthy, fight corona. See you then on the next vlog. Till then, ciao.